हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पतंजलि दिव्य गिलोय घनवटी एडवांस के बारे में। तो इसे लेने के एग्जैक्टली क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ में हम जानेंगे इसे लेने की सही विधि क्या है और इसे लेने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको लेनी चाहिए और इसे लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, हम नुकसान के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे और साथ में आपको बताऊंगी कि आपको रिजल्ट कब तक मिलेगा, इसे लेने का रिजल्ट आपकी बॉडी पे कब दिखना शुरू हो जाएगा उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा बिकॉज आपको एग्जैक्टली एक एक चीज़ की डिटेल पता चलेगी एग्जैक्टली क्या होता है जब हम इसका सेवन करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बात करेंगे कि एग्जैक्टली गिलोय घनवटी किस तरह से काम करती है, जब हम इस टैबलेट को लेते हैं तो हमारे शरीर पे उसका क्या असर आता है, क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब हम गिलोय की बात करते हैं, गिलोय हमारी बॉडी में जाकर एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर के वे में काम करती है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, यानी कि जब भी कोई वायरस हमारी शरीर पर अटैक करता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारी रक्षा के लिए आगे आता है। तो गिलोय क्या करती है, गिलोय वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है और साथ में फ्रेंड्स गिलोय हमारे शरीर में एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को भी बहुत अच्छा कर देती है। यहाँ पे एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको बहुत पावर मिलती है, उनको बहुत ताकत मिलती है, शरीर की रक्षा करने के लिए वो बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं जब हम गिलोय घनवटी का सेवन करते हैं। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक रहती है, तो उन लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एंड देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की जब हम बात करते हैं, अश्वगंधा का सीधा असर पड़ता है तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आपके बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है उसको ये नीचे लेकर आता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है, तो अश्वगंधा जो है आपको स्ट्रेस को कम करता है। उसके बाद दूसरा असर इसका बहुत अच्छा पड़ता है, वो है हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, उसको ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखा गया है। एंड देन फ्रेंड्स, थर्ड इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे बॉडी के इम्यून सेल एक्टिवेशन। तो जब भी किसी को इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो वहाँ पे अश्वगंधा बहुत ही अच्छा काम करता है और काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि अश्वगंधा हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। पतंजलि की गिलोय घनवटी एडवांस में जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है नीम। नीम के बारे में हम सब जानते हैं, इसके बारे में एग्जैक्टली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नीम डायरेक्टली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, अच्छा करता है। देन इसमें इस्तेमाल की गई है हरड़ एंड बहेड़ा। तो यहाँ पे जो हरड़ है या बहेड़ा है वो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा करता है। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की गैस हो या फिर अपच हो या कॉन्स्टिपेशन हो, पेट की कोई भी समस्या हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसे कि कहते हैं कि हर तरह की बीमारी शुरू होती है पेट से, तो वहाँ पे हरड़ और बहेड़ा जैसी हर्ब जो है ओवरऑल हमारे बॉडी के सिस्टम को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एंड देन फ्रेंड्स, इसमें है आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और विटामिन सी लेवल अगर बॉडी में लो हो जाए तो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी ना हो, वो पूरी रहे, इसीलिए इसमें आंवला का भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ओवरऑल जो आंवला है वो हमें कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं कोल्ड एंड कफ के, उनसे बचाता है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को हमें लेना कैसे है, कैसे इसका सेवन करना है। तो आप दिन में 1 से 2 टैबलेट्स तक ले सकते हैं पोस्ट मील, यानी कि खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको आए दिन कोल्ड एंड कफ रहता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक है, आपके जो लंग्स हैं वो वीक हैं, तो वहाँ पे आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसका सेवन कर सकते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे सावधानियाँ या नुकसान बताने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसे मेरे पूरी फैमिली ने इसे लिया है, बड़ों ने भी और बच्चों ने भी इसे लिया। तो यहाँ पे बच्चों को हम थोड़ी कम डोज देते हैं, लेकिन बड़े जो है 1 टैबलेट से लेकर 2 टैबलेट तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को ये मिला कि जो दिवाली के बाद हल्का सा नाक बंद हो जाता है, या कई लोगों को बड़ों में खासतौर पे देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, बच्चों में भी रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हुई है इससे। तो आप एक तरह से सारी चीज़ें हैं इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली। तो अगर आपको जनरल इम्यूनिटी का इशू है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सावधानियां नुकसान की। सावधानियां नुकसान में सबसे पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी इस तरह की किसी भी हर्ब का सेवन करते हैं तो आप 15 दिन 20 दिन इसे ले सकते हैं। 1 टैबलेट से शुरुआत करिए, बाद में 2 भी ले सकते हैं। आप कभी भी ओवर क्वांटिटी में मत जाइए, ये मत सोचिए कि मैं दिन में 4 या 5 टैबलेट खाऊंगा या
खाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज ज्यादा करने से भी आपके शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि गिलोय खाने से लिवर खराब हो रहा है या इस पे लिवर में इश्यू आ रहा है, तो वो क्वांटिटी ज्यादा खाने पे हो रहा है। क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान, आपको एक टैबलेट भी काफी है, एक दिन में एक टैबलेट भी काफी है, मैक्सिमम दो ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और आप स्टिक को अवॉइड करें, डायरेक्टली टैबलेट्स यूज करें। स्टिक में भी हमें क्वांटिटी का पता नहीं रहता है, तो इससे अच्छा ये है कि आप इस तरह की ये टैबलेट्स लेकर आ सकते हैं। इसमें आपको क्वांटिटी का अंदाजा रहता है आपको कितना खाना है, क्योंकि अगर आप ओवर किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हर्ब्स हैं, हर्ब्स अगर फायदा करती हैं तो नुकसान भी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक मिलेंगे। जहां तक रिजल्ट की बात है, 3 to 4 months में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी आपको काफी इम्प्रूव दिखाई देगी। तो यस फ्रेंड्स, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो को देखना चाहिए। और साथ में ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। तो तब तक फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए।